क्लास 8 चैप्टर 14 नेम इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन थर्ड इज ऑफ एक्सरसाइज 14.3। आई एम रीडिंग क्वेश्चन थर्ड। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, बाइनोमियल्स का। एंड इसमें बाइनोमियल्स मीन्स टू टर्म, और ये फर्स्ट टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। तो मीन्स के इसमें सारे डिफरेंट हैं, किसी में बाइनोमियल्स है, किसी में ट्राइनोमियल्स है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखिए किस कंडीशन में, जिस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, डिवाइड करके इसको अलग अलग करके उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे है टेन एक्स माइनस 25 डिवाइड 5। अब ये देखिए डिवाइड है, तो ये डिवाइड को इस तरीके से अपॉन में राइट कर सकते हैं, टेन एक्स माइनस 25, ठीक है, डिवाइड को इस तरीके से अपॉन में राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ जिस तरीके से 5 डिवाइड या फिर 10 डिवाइड 5 है, तो 10 अपॉन 5 इस तरीके से राइट कर सकते हैं, इस तरीके से कट कर सकते हैं, 5 × 5 = 10, आंसर वही आएगा, ठीक है। सेम कंडीशन में इसको अपॉन में राइट कर लिया हम, ओके। तो अभी देखिए, अब ये देखना है कि डाउन में क्या है। मैं आपको इस तरीके से, मतलब इसी तरीके से सोल्व करना बता रही हूँ, बस ट्रिक भी देखिए, मैं ट्रिक भी बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सम्स करने में और आसानी हो और इजी हो, ठीक है। अब डाउन में देखना है, डेनोमिनेटर में देखना है, डेनोमिनेटर में कितना है, 5 है। अगर डेनोमिनेटर में 5 है तो मीन्स अभी देखना है कि 5 दोनों में है या नहीं है, सिर्फ डेनोमिनेटर को देखना है। ये सिर्फ किसकी ट्रिक है, डिवाइड वाले सम्स की ट्रिक है, कि जो भी डेनोमिनेटर में होता है अब उसको ये देखिए कि न्यूमरेटर में है या नहीं, और वही कॉमन आएगा जो डेनोमिनेटर में। डेनोमिनेटर 5 है तो 5 दोनों में कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ठीक है। इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। अब 5 है तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। अब कैसे पता चलेगा अंदर क्या बच रहा है, 10, 5 के टेबल में कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, और क्या बचे यहाँ पे, एक्स। कैसे, अगर नहीं आता तो 5 में ये देखिए 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 ही तो आएगा, मीन्स 2 टाइम, माइनस 5 के टेबल में 25, 5 टाइम आ रहा है, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है, डाउन में 5, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्या बचेगा, 2x - 5, ठीक है। इट इज वेरी इजी। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड, 10x - 25, ठीक है। सेम कंडीशन, डिवाइड को अपॉन में राइट कर दिया, 2x - 5, मिस ये डिवाइड, मिस ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मीन्स क्या है, अगर डेनोमिनेटर में 2 टर्म है, मिस बाइनोमियल्स है, ठीक है, तो मीन्स यही यहाँ बचना चाहिए और बचेगा ही, ठीक है। इसमें से क्या निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे कि यही बचेगा, ठीक है। अगर यह 1 टर्म होगा, जिस तरीके से फर्स्ट सम सॉल्व किया था, अगर 1 टर्म है तो वही यहाँ से कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म आ गए तो कैसे पता करने की, मतलब यही आ जाए, तो इसमें से ये देखिए क्या कॉमन आ सकता है कि 2x - 5 ही यहाँ पे बचेंगे। अब आप लोग ये समझिए, अगर देखिए 2 की टेबल में 10 तो आता है, लेकिन 2 की टेबल में 25 नहीं आता, क्योंकि 2 से 25 डिवाइड नहीं हो सकता। अभी देखिए 5 के टेबल में 10 भी आता है, 25 भी आता है, तो 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 × 10 2 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 आ जाएगा, गॉट इट। इस तरीके से 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 × 10 2 टाइम आया, x माइनस 25, 5 के टेबल 5 टाइम आते हैं, 5 × 5 = 25, अपॉन में क्या बचा, 2x - 5, ये तो ऑलरेडी है। तो ये देखिए सेम कंडीशन में ये दोनों घटे गए, अब क्या बचा, ओनली 5, तो यही अपना आंसर होगा, गॉट इट, ये आंसर हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अभी देखिए ये राइट किया और डिवाइड है तो इसको अपॉन में राइट कर दिया, गॉट इट। तो अभी देखिए 2y + 7 आना चाहिए, 5 भी, देखिए 5 10 से कट हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों को पहले समझ आ जाए वो आप लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे कि आप लोग उसी तरीके से रटना नहीं है, ठीक है। तो इसको बाद में कट कर सकते हैं, पहले कट कर सकते हैं, 5 से 10 कट हो रहा है तो 5 × 5 = 10, ठीक है, इतना कट हो गया। अब ध्यान से देखिए यहां से क्या बचा, 2y, ठीक है। अब ये देखिए इसको राइट कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 तो गया, 5 तो बचे, 1 राइट नहीं करते, 2y + 7 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां से क्या कॉमन आ रहा है कि 2y + 7 ही यहां पे बचे, ठीक है। तो मीन्स क्या कॉमन आ सकता है ये बताइए, कि यहां से देखो
टू की टेबल में 6 आ रहा लेकिन 21 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 3 टू के बाद आता 3, 3 की टेबल में दोनों आ रहा है, 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, गॉट इट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से दोनों डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 3, पहले यहाँ पे 2y, तो 2y एज इट इज और बिटवीन मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगा दिया, 6 से 3 के टेबल में 2 टाइम आ रहा है, 3 2 6, क्या बचा है यहाँ से y प्लस 3 7 से 21, 7 टाइम आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये देखिए ये आ गया 2y प्लस 7, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन पड़ गया, क्या बचा 2y मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 y, ओके, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज 9x² / 2 ब्रैकेट में 3z - 24, ठीक है, इसको एज इट इज राइट, इसको डिवाइड में ये राइट कर दिया, ओके। अभी देखना z - 8 है, तो z - 8 यहाँ पे बचना चाहिए ब्रैकेट में, तब तक वो कट होगा, ठीक है, इसको एज इट इज राइट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 9x² / 27xy, ठीक है, यहाँ पे तो z - 8 है, अब यहाँ पे कॉमन आ सकता है, मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल 24 भी आते हैं, ठीक है, 3 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, ब्रेकेट 3 कॉमन आ गया, क्या बचा z - 3 के टेबल 24, 8 टाइम आते हैं, 3 8 24, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, तो ये कट गए, ओके। तो अब 3 से 27 कर सकता है, 3 1 3 3 9 27 27 बचा, और ये 9 से 9 भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, जो बचा वो राइट कर देंगे, x² y² अपॉन में xy, तो अभी देखिए इस x से ये x गया, ये y से ये y गया, मीन्स यही 2 टाइम है तो 1 टाइम है, तो आंसर क्या बचेगा, ओनली 1x बचा और 1y बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 1 गया, इसलिए यहाँ पे 1 ये बचेगा, ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 5, 96 एबीसी ब्रैकेट में 3a - 12, 5b - 30, इसको इस तरीके से राइट किया और डिवाइड में ये राइट कर दिया, गॉट इट। तो अब इसमें ये देखिए, ये डायरेक्टली ये कट हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली नहीं करना तो आप लोग उसको 2 से भी अलग से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहले तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है तो यहाँ पे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, मीन्स इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अभी देखिए 96 है तो इसको यहीं पे कट कर सकते हो, फिर बाद में भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 144 है, ठीक है, ये 12 से भी कट हो सकता है, 12 8 96। अभी देखिए 12 1 12, 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा, 12 2 20 4, ठीक है, तो फिर से कट हो सकता है, 4 4 2 8, 4 3 12, तो मीन्स यहाँ से ये क्या बच रहा है, यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, पहले तो इसको एज इट इज राइट कर लेते हैं, ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे क्या ABC मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 में दोनों का डिवाइड जा रहा है, 3 ब्रेकेट क्लोज, क्या बचा यहाँ से A, 3 बाहर आ गया ना, माइनस 3 के टेबल में 12, हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, 3 4 जा 12 होते हैं, ठीक है। अब ये क्या लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 कॉमन आया तो 5 गया बाहर, क्या बचा B, माइनस 30, 6 टाइम, 5 से 30, अब आते हैं अपॉन पे, क्या बचा है यहाँ पे डाउन में, 3 बचा, a - 4, b - 6, ठीक है। अब अपन कट करते हैं, ये देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, a - 4 सेम है तो ये कैंसिल, b - 6 सेम है तो ये कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, आप लोग खुद देख सकते हैं ध्यान से, 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो 5 2 10, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं 10, a b c, तो अब ये देखिए ये 10 ABC ये अपना आंसर है। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इट, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीटेड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड।